जी भाईजान, पाकिस्तान ने माशाल्लाह 14 अगस्त के लिए बाजा बनाया। तो सेकंड ये कि अभी मुझे सुनने में आया कि हम एक जा रहे हैं। मैं तो खुद टू बी ऑनेस्ट आई एम ट्राइंग टू गो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कब? बस इंशाल्लाह इन कपल ऑफ मंथ्स माय वीजा इन प्रोसेस। सो सारे जा रहे हैं तो हमने के लिए लगे। आटा हमारे मुल्क में इस टाइम सुनने में आया आटा शॉर्ट हो गया, चीनी हमारी महंगी हो गई है, 150 रुपये किलो पाकिस्तान के अंदर चीनी हो चुकी है। बॉर्डर के अंदर इंडिया सबसे बड़ा जो है ना झंडा बनाना है, इंडिया का छोटा का हमारा झंडा ऊपर होगा, 500 फीट से भी ऊपर हम बनाने लगे हम झंडा। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट की है पाकिस्तान? ये तो एक जाहलाना सोच है उनकी। किन की? ये पाकिस्तान हुक्मरानों की, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो हमारा सरमाया है ना, बड़ा ऊपर करना झंडा, बस वो उनका हमारा झंडा, हमारा उनसे ऊपर हो झंडा, बस बस यही बात है कि शरीका बन रहे, इन्होंने बच्चा बनाने लगे थे। 40 करोड़ का झंडा है ना, कौन सा? 30 करोड़ गवर्नमेंट के पास है, 10 करोड़ का झंडा है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आटे की इतनी किल्लत, जो कि फिर स्टार्ट होने वाली है, हमारी अशिया जो कि बहुत महंगी हो चुकी हैं, हो भी रही हैं। अब कोई चीज़ हम लेके जाते 10 रुपये की, भाई आप मुझे बाप देखेगा मैं गलत हूँ, मुझे टोकिएगा। कॉल पूछना। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? यार मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता हूँ सर, टॉपिक मेरा ये, पहले तो ये बताएं कि अब हमें एक कितनी मुश्किल से IMF से कर्ज़ा मिला है। बिल्कुल ऐसे मिला भी नहीं है सही तरह, वो इट इज़ अ रिजर्व अमाउंट, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, डिस्पर्स नहीं कर सकते अमाउंट को। अच्छा सर, मुझे आता है आज का स्पार्क को जो कि हमारी पाकिस्तानी स्पेस है, आज कोई उन्होंने ऐसी कोई चीज़ लॉन्च की हो? जी भाईजान, पाकिस्तान ने माशाल्लाह 14 अगस्त के लिए बाजा बनाया। तो सेकंड ये कि अभी मुझे सुनने में आया कि हम एक झंडा बनाने लगे हैं। मैं वो इस वही टॉपिक्स पे बात, तो बस ये हम बना रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह इसी में मुल्क का फ्यूचर है। ऐसे हम लोगों को, पूरी दुनिया को, एक हमारे ऊपर से वज़ीर आज़म साहब, वो भी कुछ इस तरह मजाक का खेस पर्सन है, एक जोली टाइप का पर्सन है वो, तो वो भी लोगों को हंसाते हैं, तो मुल्क भी हम हंसाते हैं। सर टॉपिक मेरा ये है, प्लीज अदर कंट्रीज, कोई हम इनोवेशन या कोई टेक्नोलॉजी में तो हम कुछ एक्सेल करना ही नहीं चाहते, नहीं चलना। हम क्या, हमारा क्या कि हम भाई बॉर्डर पे कहते हैं कि तेरी टांग ऊंची है या मेरी टांग ऊंची है, टांगों को लेके बैठे टांगे मेरी नीचे जा रही हैं, जमीन ने दस दी है। तो बाकी भाई सबको पता है कि आज सीन चल रहे हैं, बाकी मैं टॉपिक पे बढ़ता हूँ सर। टॉपिक मेरा ये है, आपको पता है जैसे IMF ने पेमेंट दी है, थोड़ी जितनी भी दी है, रिजर्व अमाउंट दी है उन्होंने, कहीं इतनी मतलब इतनी अमाउंट नहीं दी जितनी हमारे मुल्क की हालात जो है ना सीधे हो जाएं। मकसद पूछने का कि 40 करोड़ का आपने झंडा बना दिया जी, इस बेस पे बनाया जी कि हमने बॉर्डर पे इंडिया से सबसे ऊपर जो है ना झंडा लेके जाना है। इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, जो कि उनकी 23 अगस्त को जो कि एक उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, चंद्रयान 3 एक रॉकेट लॉन्च स्पेस में जाने के लिए, आज फाइनल जो है ना वो मून पर जाने का 23 अगस्त को। पाकिस्तान क्या कर रहा है, 14 अगस्त को पाकिस्तान झंडा अपना बना रहा है, वो इतनी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है यार, मैं तो कुछ ऐड कर दूं इसमें कि पाकिस्तान को ना मून पे जाने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान पहले ही मून पे है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे कोई रॉकेट लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं, हम सारे मून पे ही रहते हैं। अच्छा, तो ऐसे हमें बस ये है कि हमारे पास झंडा नहीं था, एक हमको चलो झंडा बना लें, इंडिया के पास झंडा नहीं है, हमने कहा उनसे एक बड़ा झंडा बना लें। मून पे ऐसी टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत नहीं है खास ना, तो यार क्यों नहीं, वी डोंट वांट टू बी डेवलप कंट्री, तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि हम ऐसे बस ये कहते नहीं है गरीबों की तरह पैसे मांगे, उधर से मांगे, IMF से मांगे, जो हमारे हुक्मरान है वो खाए वो आराम से बाहर चले जाएं, वी जस्ट वांट दैट। तो इसी में इस तरह हमारी ये जो हमारी अगर बात करें भी इस टाइम मौजूदा हालात में बात करें तो हमारी यूथ के ऊपर, जिस आप है यूथ पर्सन जितने भी है जो IT डिपार्टमेंट्स में, टेक्नोलॉजी किसी भी डिपार्टमेंट में, वो पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं, ओवरसीज होते जा रहे हैं। आप वो सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो खुद टू बी ऑनेस्ट आई एम ट्राइंग टू गो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कब? बस इंशाल्लाह इन कपल ऑफ मंथ्स माय वीजा इन प्रोसेस। सो सारे जा रहे हैं तो हमने सोचा यार हम क्या करना पाकिस्तान में, हम भी चलते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई सुप्रीम लीड है, जो हमारी लीडर है, वो तो पहले ही बाहर है माशाल्लाह, उनसे मुलाकात कर लेंगे वहाँ जाके। सर तुम आओ पाकिस्तान, कुछ करो पाकिस्तान। सर ये क्या इन्होंने काम किया है, 40 करोड़ का झंडा, आप मुझे बताया कौन सा 40 करोड़ का झंडा बनाते हैं? इंडिया ने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो दुनिया तारीफ कर रही है, हमने किस लिए किया? इंडिया को जी हमारे हमसाया मुल्क, जो हमें जो है ना गलत बताया जाता है जी, हमारा हमसाया मुल्क हमारा दुश्मन है, गलत बताया जाता है। इंडिया टू बी ऑनेस्ट, इंडिया की करेंसी हमारे से मजबूत, उनके फॉरन रिजर्व अच्छे, उनके एजुकेशनल डिपार्टमेंट यूट्यूब पे जितनी मोस्ट अच्छी वीडियोज़ होती हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, वो इंडिया के यूट्यूब चैनल या उनके पर्सन उनको दिखाते हैं। एजुकेशनल का सिस्टम उनका अच्छा, वहाँ पे द पीपल कैन फ्रीक्वेंट स्पीक इंग्लिश, दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो सारा कुछ उनका अच्छा चलता है। हमारे पाकिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं। बड़ी माँ के साथ हम एक हमारी लव है पाकिस्तान से, हम पैदा हुए हैं, पेट्रियोटिक किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन वी जस्ट वांट टू मेक इट गुड।
हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डेवलप करे यार, ये ऊपर जाए, हम सब कहें कि हमारा मुल्क का मादरे वतन है, ये डेवलप करे। ये डेवलपिंग नहीं है कि भाई झंडा बड़ा अपना, झंडे से क्या होगा यार, झंडे से वो भी 40 करोड़ आपने लगाया, उस पर डेवलपिंग भी लगाओ, एजुकेशन भी लगाओ, 40 करोड़ लगाओ, कौन सा झंडा ऐसा बनाने लगा है, 40 करोड़ सोने का झंडा, 40 करोड़ का झंडा है ना, कौन सा 30 करोड़ गवर्नमेंट के पास है, 10 करोड़ का झंडा है ये तो ये बात झंडा नहीं, ये एजेंडा है, एजेंडा जो एजेंडा लगा लगे, हाँ ये एजेंडा है पूरा, इसमें पूरी मेकअप सेट की होती है, इतने पैसे लगेंगे और पूरे डिपार्टमेंट्स पैसे खाएंगे, मतलब 30 करोड़ रुपया उनका, 10 करोड़ रुपए का वो झंडा बनेगा, नहीं हाँ इतने का मैक्सिमम 3 करोड़ का बस झंडा, 4 का होगा, 5 का होगा। देखिए इंडिया ने इसका आज क्या हमें फायदा क्या वो बताएं आप मुझे, मुझे हाँ वही तो सोचने वाली बात, 40 करोड़ का आपने झंडा बना दिया है, आप मुझे क्या फायदा, आपने सिर्फ उनका बनाया है ना, उसकी कितनी वैल्यू है वो 50 करोड़ का बिके आती है, हम साया मुल्क को दिखाने के लिए जी हमने बॉर्डर पे जो है झंडा हमने सबसे ऊपर लेके जा, अब भाई वो कहाँ पे चले गए, उनको स्पेस पे रॉकेट अपना भेजा है चंद्रयान 3 पहले 2 उन्होंने भेजा, वो जो फायर नहीं हो सका, मतलब नहीं चल सका, वो वापिस जो है ना वापिस आ गया, वो वापिस लैंडिंग कर गया। आप मुझे बताया वो अब 23 अगस्त को वो मून पे जाने जा रहा है, अब इतनी इंडिया जो रिसर्च कर रहा है ऐसी, पाकिस्तान पीछे क्यों है इन चीज़ों में, पाकिस्तान में झंडा हमने ऊपर करना है, हमने बॉर्डर में टांगे ऊपर करनी है, इसके अलावा हमारी आवाम को कुछ नहीं दिखाया जाता, हमें सिर्फ ये सुनाया जाता है जी हमने आज़ाद कश्मीर लेना, हमने उसके अलावा जी हमने जो हमारा इंडिया दुश्मन है, बस हमारी आवाम को लॉलीपॉप दिया कि आवाम को गुस्सा जलाए और आवाम को जो है ना आपस में दहशत रहे, वहाँ की आवाम को भी हमारे खिलाफ कर रहे, यहाँ की आवाम को हमारे खिलाफ, मतलब पाकिस्तानी आवाम और वहाँ कुछ लोग पाकिस्तान को खिलाफ करें, इंडिया को खिलाफ करें, पाकिस्तान वहाँ से, मतलब आपस में एक दूसरे करें, मगर पाकिस्तानी जो हुक्मरान वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान इंडिया एक हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं हुक्मरान नहीं चाहते यार, बेसिकली नहीं एक होते ना हो, आप एक्सेल करो उनसे, आप ऊपर जाओ उनसे भाई, आपने अगर टेक्नोलॉजी में आप हमारी रिजर्व्स होती है, हमारी ट्रेड्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, मुल्क में बिजनेस होता है, कोने में बड़ी बूम आता है उस पर, तो हमें ज़रूरत ही नहीं टांग ऊँची करने की यार, टांग पहले ही ऊँची है, ऊँची टांग जो पैसे नहीं मांगता ना उसकी टांग ऊँची होती है, जो कंट्री साहब से पैसे मांगता ना उसकी टांग नहीं ऊँची होती ब्रो, एक बंदा जो खुद मुख्तार इसकी इंटेग्रिटी होती है ना, हम पैसे यार हमको मांगते नहीं, हम पे लगते भी नहीं है, हम तो भी टैक्स देना चीज़ दे रहे हैं, पैसे किधर जाते हैं हमारे। अच्छा मुझे बताइए इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, चलो पाकिस्तान की तो हम बात करें, 14 अगस्त को हमने जो झंडा बनाया वो तो हमें पता, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम इस चीज़ को उठा रही है, हमारे सोशल मीडिया आप चेक करें, आपने भी देखा होगा कि ये वो कंपेयर साथ उन्होंने लिखे वर्सेज, उन्होंने लिखा हुआ है फ्लैग वर्सेज चंद्रयान 3 कि वो उन्होंने क्या किया है और उनको उनको फ़ायदा आगे होना, उन्होंने रिसर्च कर उनको आगे उनकी यूथ को फ़ायदा है, पाकिस्तान की यूथ को कोई फायदा नहीं झंडे का, भाईजान पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू नहीं है बिल्कुल, झंडा छोड़ो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान ओवरसीज किसी कंट्री में होता है ना वहाँ पर उसे डिग्रेड करता है, बिल्कुल डिग्रेड इन डिफरेंट सेंस, टोन क्रिटिसाइज डिफरेंट चीज़ों में डिग्रेड करते हैं, बाकी एवरीबडी वांट्स टू पासपोर्ट ऑफ अमेरिका, हम अमेरिका से हमारी दुश्मनी है लेकिन हम चाहते हैं भी हमें अमेरिका का पासपोर्ट मिल जाए, क्यों, दे हैव अ वैल्यू, बिल्कुल ऐसी है, दे हैव अ स्ट्रेंथ इन देयर पासपोर्ट, हम क्यों सब पासपोर्ट चाहते हैं भाई, अगर पाकिस्तान वो वैल्यू डेवलप करे, झंडे छोड़े, अफगानिस्तान का झंडा नहीं है वो कोई ऐसी, लेकिन अफगानिस्तान का वहाँ पर डॉलर का रेट कम है, 89 रुपीज़ का डॉलर, इंडिया का 82 है, 82 हमारे यहाँ पे कितना, 282 है, 200 रुपये का फ़र्क है, 200 रुपये। सर अब मुझे बताया इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के, लास्ट में कोई मैसेज कहेंगे उनके चंद्रयान 3 जो कि अब 23 अगस्त को उस जाने मून पर जाने लगा है और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करेंगे लास्ट में? मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान हुकुमरान गवर्नमेंट होश का नाखून ले, देखे कि मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, टांगे उठाने से परहेज करें, टांगे ज़मीन पर रखें, सर उठाएँ अपना, सर उठाएँ, तो ये उठाएँ अपना फ्लैश व्लैग जो इतने हमारा ऊँचा, हमें अपने परचम से प्यार है, हमें लव है, लव का पर्पस ये नहीं कि फ्लैग ऊँचा लगना चाहिए, फ्लैग की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। सर लास्ट में मुझे बताया आज तक हमारे हुक्मरान ने यूथ के लिए क्या किया है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो बात करने का मज़ा ही आता कि हमारा मसायम इतनी तरक्की, उनको यूथ के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं कि मैं अपने यूथ के लिए कुछ ना कुछ करूँ, हमारे हुक्मरान ये चीज़ें सोच रहे हैं। हाँ हमारी हुकूमत ने उन्होंने यूट्यूब के लिए जो यूट्यूब है ना यूट्यूबर जितने वहाँ पाकिस्तानी यूट्यूबर की कोई अहमियत नहीं, वहाँ पर छोटे छोटे यूट्यूबर किया, मतलब जो कि अब इंडिया इस पर भी काम करने लगा, यूट्यूबर्स के लिए काम करने जा रहा है वो, तो जितने भी यूट्यूबर इंडिया के अंदर, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं यूथ के लिए, उन्होंने मसला यूथ को खुडे लाइन लगा दिया होगा, लैपटॉप दे दिए हैं, लैपटॉप दे दिए, लैपटॉप 50 रुपये लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिसमें से 40-50 रुपये गवर्नमेंट खा जाती है, 10 रुपये में मिलते हैं, ये सीन होता है, मतलब गवर्नमेंट जस्ट वांट टू
मेसिंग दी पुअर, बस पैसे इकट्ठे के चक्कर में जो जेबें बढ़ो बाहर चलो जो बस। ओके सर, की गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं है। ओके सर, बहुत थैंक यू। अस्सलाम। क्या करते हो? हम स्टूडेंट हैं। आप? मैं भी स्टूडेंट। आप? स्टूडेंट। अच्छा सर, पहले तो मुझे बताए, आपको मुबारक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 40 करोड़ का जो झंडा बना, जो कि हमने इंडिया से जो बॉर्डर के अंदर इंडिया सबसे बड़ा जो है ना झंडा बनाना है, इंडिया का छोटा का हमारा झंडा ऊपर होगा, 500 फीट से भी ऊपर हम बनाने लगे हम झंडा, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी अचीवमेंट की है पाकिस्तान ने। अचीवमेंट तो बहुत बड़ी की है, लेकिन ये हमने झंडा बनाकर क्या करना है क्या है? अच्छा देखें, अगर उन्होंने तो अचीवमेंट कर ली, वो तो चांद पर जा रहे हैं, वो मैं बात करूंगा। और हम ये झंडा बनाकर इधर मतलब झंडे को ले रहना है और उसके साये तले रहना है, और क्या करना है हम दोनों? इस परचम के साये तले हम ये क्या है? आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, इंडिया रॉकेट बना के बाहर जा रहा है, सामने झंडे पे चढ़ के चलाने लगा के उसे फ्लाई करना है। यार अच्छा सर, टॉपिक में आप दोस्त से ही मैं आपसे बात करूंगा। इंडिया के अंदर हमारा साया मुल्क, जो कि हम पूरी ज़िंदगी हमारे कानों में हमें गलत गाइड किया, हमारी मीडिया ने गलत गाइड किया है, उन्होंने ये बोला कि जो ना आप इधर हो ना आपने वो, उन्होंने ये बोला है कि जी हमारा जो ना हमारी पाक मीडिया, उन्होंने ये बोला जी हमारी जो इंडिया है हमारा दुश्मन है, हमें दिखाते गए और हमें उनका दिमागों के अंदर हमारी दुश्मनी पैदा कर दी। पूछने का मकसद है कि इंडिया ने रॉकेट एक लॉन्च किया चंद्रयान 3, पहले 2 लॉन्च किया, जो कि नहीं उनका वापसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब उन्होंने फाइनली उन्होंने स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, उन्होंने लर्न उस चीज़ का फल दिया, चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया, जो कि अब 23 अगस्त को स्पेस पर जाने लगा है। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया जिनको आगे आने वाले वक्त में उनको फ़ायदा होना है, हमने क्या किया है? इंडिया ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की, वो आगे वहाँ पर स्पेस पर जा, वहाँ मून पर जाकर वो रिसर्च करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के बारे तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारी बहुत स्ट्रगल के बाद बिल्कुल मिला है, बिल्कुल। लेकिन मैं उन लोगों को उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा जिन्होंने इस पाकिस्तान को बढ़ाने की बजाय नीचे लेकर जा रहा है। इंडिया हमसे ठीक है, चाहे एक दिन का हो या चाहे ज़्यादा दिन का हो, इंडिया हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, हम पहले आज़ाद हुए थे, लेकिन हम एक इस्लामी ममालिक में मतलब कि क्या मतलब कि एक इस्लामी मुल्क में पैदा हुए और इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन आज के दौर में देखो वो हिंदुस्तान वाले वो हमसे आगे बढ़ गए हैं और हम जो हैं पीछे जा रहे हैं, दिन ब दिन जा रहे हैं, लेकिन इनको मतलब कि अभी तक कोई ख्याल नहीं। अभी जो उन्होंने IMF से कर्जा लिया वो मेरे ख्याल में मुझे ये बताएं, इतनी मुश्किल से हमें IMF से कर्जा मिला, हमें ये तरक्की में पैसा लगाना चाहिए, हमें इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहिए, हमें ये इलेक्ट्रिसिटी में पैसा लगाना चाहिए, हमें जो हमारी जो जरूरी अशिया है हमें उस पर पैसा लगा, हमने 40 करोड़ का झंडा बना दिया है, IMF से पैसा ले के कर्जा, इतनी मुश्किल से पहले कर्जा लिया है, वही हमने 40 करोड़ उन्होंने दे दिया है, वही हम अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में लगाते तो फ़ायदा होता मुल्क को, बिल्कुल फ़ायदा। तो हमने क्या किया, अभी टैक्सी जो हमने लगा दी है अपने वाम के ऊपर 200 से जो यूनिट इंडिया के किसी एक सिटी है, उनके इंडिया के अंदर काफ़ी सिटीज़ हैं जो कि 200 यूनिट फ्री किया हुआ है, हमने 200 यूनिट पर 8,000 रुपया टैक्स लगा दिया, 8,000 रुपया उस पर टैक्स ले रहा है, 8,000 बिलाना उस पर टैक्स ले रहा है। आज के दौर में देखा जाए तो जो गरीब है रेडी लगाता है वो जो है उसको 25,000-30,000 बिल आ रहा है, और वो कहाँ से पे करेगा? उनको ये जो 40 है, मुझे तो अब कहते हैं भी शर्म आ रही है कि 40 लाख का वो झंडा बना रहे हैं, 40 करोड़ का भाई, 40 करोड़ का, हाँ 40 करोड़ का झंडा, 400 मिलियन वो अगर किसी गरीब पर इतना, वो नहीं ये नहीं सोच रहे कि जो रात को वो तो अपनी आलीशान मकाम सभी मतलब कि अपने महलों में सो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो लोग रात को मतलब कि भूखे सोते हैं उनके बारे में कभी भी नहीं सोचा। देखो 100 बिल बहुत ज़्यादा आता है, ऊपर से लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग, इतनी गर्मी में बंदा कैसे सांस ले, ठीक है। तो उनके मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो 40 करोड़ का चले। मैं भाई के पास, सर मुझे ये बताएं, मैं आपसे सवाल पूछना, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आटे की इतनी किल्लत जो कि फिर स्टार्ट होने वाली है, हमारी अशिया जो कि बहुत महंगी हो चुकी हैं, हो भी रही हैं, अब कोई चीज़ हम लेके जाते 10 रुपये की, भाई आप मुझे बाप देखेगा मैं गलत हूँ मुझे टोकिएगा, 10 रुपये की चीज़ हमने ली, कल को वो जाते हैं 12-13 रुपये की, 15 रुपये की हो जाती है। अब मुझे बताया, हमने इन चीज़ों पर पैसा लगाया, हमें क्या लगी थी, हमें IMF ने इतनी मुश्किल से पैसा दिया, आपने 40 करोड़ का क्या करना, 40 करोड़ हमने झंडा आगे हमने क्या किया, झंडे बना बना के क्या किया हमने, 500 फीट से ऊपर झंडा हमने क्या करना, हमारी यूथ के लिए क्या किया उन्होंने, हमारी आवाम के लिए क्या किया है, 40 करोड़ का आपने झंडा बना लिया, इंडिया ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, उन्होंने 23 अगस्त को मून पर जाने लगा उनका जो, सॉरी भाई बात रोकने के लिए, मुझे इस बात से नहीं, हमें सर सिर्फ झंडे के पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ झंडा झंडा झंडा
झंडा जगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बात है कि इस झंडे के पीछे क्या वजह है, क्या इस झंडे के जो झंडे को बनाने की क्या मकसद था, या इस झंडे को मतलब कि लहराने का क्या मकसद है। यार हम छोटा भी झंडा नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए है कि हमारा हम साया मुल्क जब बॉर्डर में हम इकट्ठे होते हैं, हमने सिर्फ हम साया मुल्क से हमने ऊपर करना झंडा, बस उनका हमारा झंडा, हमारा उनसे ऊपर हो झंडा, बस यही बात है कि शरीका बंद इन्होंने बनाया है कि हमारा झंडा बड़ा होगा, उनका झंडा छोटा होगा। आप रॉकेट भी तो बनाओ ना, रॉकेट तो रोकर क्यों नहीं बना रहे यार, कुछ 40 करोड़ फिर 40 लाख निकल जाता है, 40 करोड़ ऊपर लगा रहे हैं तो वो किसी अच्छे काम पर लगाए ना, तो फिर अच्छी बात है। देखो इंडिया ने मतलब कि उन्होंने झंडा तो नहीं ना बनाया, वो मतलब पूरी दुनिया को अप्रिशिएट, एक दफा अगर वो नाकाम हो तो उन्होंने दूसरी दफा कोशिश की है, तो अगर ठीक है वो कहते हैं ना ट्राई अगेन, अगर वो इस दफा भी नाकाम नहीं होता, वो एक तो कर रहे हैं मतलब कि किसी अच्छे काम में तो कर रहे हैं, तो हम तो 40 करोड़ का बस झंडा ही बना रहे हैं। आपसे मुझे बताओ, इतनी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं, हमें ये काम करना चाहिए था, हमारे हुक्मरान को ये काम करना चाहिए था जो उन्होंने काम किया है, हमारे आटा फिर शॉर्ट हो गया, आपको बात इसका पता होगा, हर चीज़ शॉर्ट हो गई, बिल इतने आ रहे हैं, हमें चेक करना चाहिए था ये। दरअसल बात यह है कि हमारा जो इकॉनमी का सिस्टम है ना, वो सारा तबाह हुआ पड़ा है, बिल्कुल ऐसा, मतलब कि इकॉनमी पे कोई ख्याल नहीं दिया जा रहा। अगर ये नहीं कि पाकिस्तान में गंदम नहीं उगाई जा रही या गंदम की शॉर्टेज हो रही है, मसला ये है कि अगर गंदम किसी पास कोई पैदावार हो रही है ना तो वो स्टॉक कर देता है, बिल्कुल ऐसा ही यही बात है ना, कोई हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत खुद बदलने का, जब हम अपने लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपना सिर्फ ज़ाती मुफाद सोचेंगे, तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। हम 40 करोड़ का कौन सा झंडा होता है, आपने सिर्फ अपने हमसाय मुल्क के साथ जो आवाम के अंदर जो जेनों में डाला जी, हमारा हमारे जो के हमारे नहीं है, जो के कहते जी हमारा दुश्मन है, जो को अगर हम खुद बात करें उनके साथ, तो हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ था किसी भी, अगर आप कोई भी बाहर मुल्क जाता है वो इंडियन को मिलता है, नहीं अक्सर दोस्त होते हैं वो ऐसे उनको चीज़ नज़र नहीं आती, सिर्फ हमारे जेनों में डाला गया और हमें जेनों में डाल के हमने सिर्फ जी बॉर्डर के अंदर हमारे 500 फीट से ऊपर हमने झंडा लहराना है, जिसकी वजह से हमें जी बड़ी हमें हाइक रेट होगी जी, हमने उससे ऊपर किया, उनको ये चीज़ों का नहीं पता, वो कह रहे हैं अपनी इकोनॉमी पे लगा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी पे लगाए, हमने यूथ के लिए कुछ नहीं किया, वो यूथ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर आप? वही बात है ना, आपको पहले बता रहा हूँ कि जब हमारे हुक्मरान हमारे लीडर अपने मुफाद के लिए सोचते रहेंगे, अपने अभी भी अपने मुफाद के लिए, मगर उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मुफाद के लिए आवाम के लिए कुछ सोचते हैं, वो मतलब कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है, इसलिए उनके खिलाफ बोलता कोई नहीं है। ठीक है, जिस तरह हमारा निज़ाम खराब हुआ हुआ है, हाँ पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा था, अभी आई एम एफ को कर्ज कर्जा दिया, पाकिस्तान ठीक हो गया, मतलब हमारा जो मुल्क है कर्जा लेने से स्टेबल, तो आप क्या कहेंगे अगर ये कर्जा उतर जाएगा दिसंबर में, किस किस्त दे देंगे ये, आप दे सकते हैं कर्जा किस तरह उतरेगा, पहले पिछले सालों में नहीं उतर सका, तो ये वही निज़ाम है कि सब सोच रहे हैं, इन्होंने ये जहन में रखा हुआ कि क़यामत आनी एक दिन सब ने मर जाना, कर्जा भी गया मुल्क भी गया। सॉरी, असल में ना मुझे, मैं टिकटॉक पर वीडियो देख रहा था, प्राउड फील हो रहा था कि जब वो पंजाबी वहाँ के पंजाब के रहने वाले हमें दुआएं दे रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो वहाँ पर नारे लगा रहे हैं हमारे लिए, इन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है इन्होंने मतलब कि डैम वगैरह खोले, उनको डूबने से बचा लिया, लेकिन ये बात है कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा तो नहीं किया, हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने बुरा भी किया, ठीक है, लेकिन वो तो माजी की बात है, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि फ्यूचर हमारा क्या है। वो तो अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लास्ट में निकले करें कंटिन्यू करें, वो कह रहे हैं कि हमें एक इतिहाद पैदा करना चाहिए और हमें मतलब कि दोनों कौमों को इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान जो वो अपने अपने मफाद की खातिर और अपने अपनी मतलब कि असाइश की वजह से वो आपस में मिल नहीं रहे। देखो ये असम्बली में कुछ दिन पहले एक बिल पास हुआ था जिसमें वो सैनेट के मेम्बरान को कुछ और फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक सेनेट का मेंबर है वो जहाज भी ले जा सकता है और 4 बंदे साथ भी लेकर जा सकता है। मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि उनके पास पहले इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उनके होने के बावजूद फिर वो उसमें ऐड कर रहे हैं कि आपको और चाहिए, मतलब जो कि एहसास से अवाम के लिए इस्तेमाल होने चाहिए वो अपने मफाद के लिए करें, अपने मफाद के लिए पहले होने के बाद जो पैसा हम वो अपने लगा रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा गरीब अवाम के लगा दें तो हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया दोनों का। आप मुझे बताएं, एक हमारे जो हुक्मरान है जिन्होंने एक अचीवमेंट काफ़ी बड़ी अच्छी की है, बहुत अच्छी अचीवमेंट की, जो कि नहीं थी करनी चाहिए, IMF ने पाकिस्तान को कितनी मुश्किल से कर्जा दिया, क्योंकि अभी पाकिस्तान थोड़ा सा जो है ना एक्सिस ओपन हुई थी, अभी काम शाम स्टार्ट हुए हैं, मुझे बताएं क्या आप कहेंगे कि जो 40 करोड़ का झंडा 14 अगस्त को हम लहराने जा रहे हैं, क्या हमें बनाना चाहिए था ये? अब पाकिस्तान के अंदर आटा नहीं पूरा हो रहा, इतने बुरे हालात है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, हमें 40 करोड़ के झंडे का हमने क्या करना है?
बेहतर तो ये है कि जी पाकिस्तान की जो मोहब्बत है ना वो दिली होनी चाहिए, और ये जो खसारे में जा रहा है ना मुल्क, ये पैसा उधर इन्वेस्ट होना चाहिए। और बेसिकली ये जो आम इंसान जो आटा लेने के लिए परेशान है, चीनी लेने की महंगी, जैसे एक सैलरी वाइज मैं एज ए मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हमारी जो सैलरी है वो साल बाद भी जो है ना 10% बढ़ती है और जो महंगाई है वो 50% से भी ऊपर बढ़ रही है। बताएं हम लोग किस तरह मैनेज करें। बाकी जो भी एक सेल्समैन है या दुकानदार है या उसके अलावा जो मिसाल के तौर पे कारोबारी बंदा है, उसकी तो उस हिसाब से बढ़ रही है सैलरी कि उसकी 5 रुपये का अगर वो लेता था उसको 10 रुपये का मिल रहा है, तो वो आगे 5-7 रुपये का बेचता तो वो अब 12 या 13 रुपये में बेच रहा है, उसको वो लॉस इतना नहीं है जितना सैलरी बेस वाले बंदे को लॉस है। तो ये जो चीज़ें अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये कोई मौका दिया है MSA जो कर्जा या जो भी, इनको चाहिए कि ये रकमें ये हमारी आवाम की जो है ना वो समझ लें ये अमानत है, तो इसको आवाम पे ही खर्च किया जाए ना कि इन चीज़ों पे खर्च किया जाए। सर मुझे बताएं अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, जो कि हम शुरू दिन से ये कहते हैं जब हम हमसाया मुल्क हमारा दुश्मन है, जो कि लोगों के जहनों में डाला गया कि वो दुश्मन है, जो दुश्मन है उन्होंने रॉकेट जो लॉन्च किया है ना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, वो अब 23 अगस्त को स्पेस पर जाना, मून पर जाना उन्हें इतनी बड़ी अचीवमेंट जो कि पूरी दुनिया को प्रेफर है, उनको अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तान को झंडा बनाने की क्या जरूरत है कि बॉर्डर में इंडिया से ऊपर झंडा होना चाहिए, ये क्या करने का फायदा उनको, तो इस चीज़ का फायदा उन्होंने रिसर्च करनी है उन्होंने इसके बारे में, जो कि आगे यूथ के लिए बहुत बेनिफिट्स है, पाकिस्तान के यूथ के लिए बेनिफिट्स नहीं आ रहे। ये तो हमारे सियासतदानों को देखना चाहिए इन चीज़ों का कि जो इजादात हैं उन पे ये पैसा खर्च करें ना कि ये चीज़ें, क्योंकि इनसे हमें बेनिफिट नहीं होगा और मुल्क का नाम रोशन। इंडिया ने इतना बड़ा रॉकेट जो लॉन्च किया चंद्रयान 3, इस पे क्या कहेंगे, उन्होंने तो अपनी आवाम के लिए सोचा, अपने जो यूथ के लिए सोचा। उन्होंने बात ये है कि ये तो एक जाहलाना सोच है उनकी। किन की? ये पाकिस्तान हुक्मरानों की, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो हमारा सरमाया है ना, ये वो उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है, वो पूरी दुनिया उसको देखेगी, बिल्कुल ठीक है, और उसको जो है ना वो अप्रिशिएट करेगी, और झंडे का क्या है हमारा, उससे क्या होगा बड़ा या जो भी है, ये हमें ये देखना चाहिए कि इसको जो है ना ये हमारे पैसे हमारे मुल्क की तरक्की के लिए लगे। आटा हमारे मुल्क में इस टाइम सुनने में आटा शॉर्ट हो गया, चीनी हमारी महंगी हो गई है, 150 रुपये किलो पाकिस्तान के अंदर चीनी हो चुकी हुई है, जो हम बोतलों की बात करें ड्रिंक की बेवरेज की बात करें, बेवरेज इतने महंगे हो चुके हैं, 50 रुपये की ड्रिंक में, ड्रिंक 50 रुपये की है जो आपको 250 ml से मिलती है, अगर हम 1.5 लीटर बनाए वो 200 रुपये की होगी है, इतनी महंगाई हो गई है हमारे मुल्क में, हम बिजली के बिल भी देखें 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 10-10 हज़ार रुपये 200 यूनिट, इंडिया ने अपनी कुछ जो अपनी सिटीज में उन्होंने 200 यूनिट फ्री किया हुआ है, हमने 200 यूनिट से 8 हज़ार से ऊपर बिल हमने देना है, अब क्या कहेंगे हमने अब वही 40 करोड़ रुपये हम यहाँ पे अगर अपनी बिजली वाले महकमे में लगाते, इलेक्ट्रिसिटी महकमे लगाते, इसको हमारी फर्क नहीं पड़ना, हमने वही 40 करोड़ पकड़ के हमने उसको दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है, मैंने खुद ये इंटरव्यू देखा था उनका किसी न्यूज़ चैनल पे, तो उन्होंने वो जो उस इलाके का जो कह लें कौंसनल या उसका वो मंत्री वगैरह जो भी उसको कहते हैं वो इंडिया में अपने, तो मैंने उसका पूरा इंटरव्यू सुना था, तो वो उसने खुद उसको बताया था कि भाई आप जब एक एंकर ने उससे पूछा ना कि आप अपनी इतनी अपने शहर को बिजली फ्री किस तरह दे रहे हैं 200 यूनिट, तो उन्होंने बताया कि मैंने इस तरह ये एक पुल बनाया, उसको ये चीज़ें उसमें लगनी थी, ये हमने बचत की, वही चीज़ें हमने आवाम पे सरफ की, वो उनको बिजली दिया, फिर हमने ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें बनाई थी, काफ़ी चीज़ों का उनको हवाला दिया, और उसमें जो फजूल याद थी वो उन्होंने कहा कि हमने वो उस पर नहीं लगाया, बजाय को जो शोबाजी या इस तरह की चीज़ें उस पर नहीं हमने लगाया, वो जो है ना हमने वही पैसा अवाम को दिया, उसकी सहूलत दी, उसको रिलीफ दी, 200 यूनिट, यानी कि जो गरीब बंदा छोटे से छोटा घर है वो 200 यूनिट जो है ना वो सर्व कर देता है, तो उसको हमने रिलीफ दी है, इस तरह हम इसको जो है ना मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ अपने यानी शहर को, वो अब मुझे नहीं याद कि वो किस शहर का वो था। लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप? मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं इनको चाहिए कि आवाम का ख्याल करें, खास तौर पे गरीब तबके का, गरीब सब, क्योंकि खास तौर पे जो सैलरी वाला तबका है वो इसमें पिस चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो इस वजह से कि उनकी इनकम जो है ना साल में 10% भी वो सरमाया जो प्राइवेट है खास तौर पे
गवर्नमेंट की तो बढ़ा ही देते हैं, वो इस दफ़ा 30-35% बढ़ी है, ठीक है, और नहीं बढ़ रही थी तो पंजाब में बढ़ी उन्होंने की है। गरीब आवाम जो है ना, गरीब आवाम जैसे हम और आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उसमें जो 10% या 20% भी है उस पर भी वो मालिक कहता है कि नहीं बढ़ानी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।